का एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये है आपका इतना बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरे 9 केसी का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बारे में हम ओवरव्यू हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए पाउडर लिखा हुआ है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ पे पाउडर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो यहाँ पे ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। एबीसी टाइप मतलब इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सो यहाँ पे बताया गया है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहीं पे कोई कपड़ा जल गया, पेपर जल गया, वुडन जल गया है, उड़ मतलब लकड़ी जल गया, तो वो ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये बताता है, यहाँ पे बी टाइप ये बोल रहा है कि पेट्रोल वगैरह में कहीं पेंट वगैरह या कुछ केमिकल वगैरह में कहीं आग वगैरह पकड़ जाता है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बताता है खाना वगैरह बना रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना मेनली 6 तरीके से होता है, लेकिन आपको 4 तरीके से आपको हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये पहला एक वाटर स्प्रे टाइप में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, दूसरा एक फॉर्म टाइप में आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो फॉर्म टाइप में निकलेगा, ठीक है। तीसरा आपका CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है वो फायर एक्सटिंग्विशर। चौथा आपका ये पाउडर फॉर्म में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। तो मेनली हम 4 तरीके से हम आपको बता दिए, ठीक है। तो देखिए ये पाउडर फॉर्म में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसमें जो अगर इसको आप कर प्रेस कीजिएगा, जैसे इसके नोजल को हम यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे इसका आपको दिख रहा होगा ये नोजल जो है, इसको जैसे ये स्ट्रिप को जैसे हम खोलेंगे ओपन करेंगे और वैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि ये आपका निकलने लगेगा, यहाँ से पाउडर टाइप में निकलने लगेगा, कहीं भी आप ऐसे करके आप मार दीजिए तो ये जो पाउडर निकल रहा है तो इस पाउडर में कौन सा केमिकल डाला हुआ रहता है, इसमें जो डाला हुआ रहता है केमिकल वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट इसमें डाला हुआ रहता है ये फायर एक्सटिंग्विशर में। जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है अगर उसका इस्तेमाल कहीं भी आप कीजिएगा, कहीं भी उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें कोई भी पाउडर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कोई पाउडर आपका नहीं गिरेगा वहां पे, कोई भी रेसिड्यू का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर अगर रहेगा तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया या कहीं आग लग गया या कहीं भी कोई भी चीज में अगर लग गया तो यहाँ पर ऐसे से अगर आप मारिएगा तो वहां पे कोई भी पाउडर टाइप में आपका नहीं गिरेगा, वहां पे वो जो CO2 गैस निकलेगा वो गैस से वो क्या कर देगा, वो आग को बुझा देगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बड़े लेवल पर हम आपको इसका यूज दिखाएंगे कि इसका यूज जो होता है पूरे खुले मैदानों में इसका यूज किस टाइप में किया जाता है ये पाउडर टाइप में फायर एक्सटिंग्विशर को। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, तो हम आपके प्यार के लिए यहाँ पे हम एक बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर हम 9 केसी का लाए और इससे हम बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे। ये हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहे थे कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में इसका वर्किंग क्या होता है, काम क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है, वो चीज हम आपको सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे थे। हम नेक्स्ट लेवल पर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरे बड़े लेवल पर तो वहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके हम वहाँ पे दिखाएंगे इसका दिखाया कैसे जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का। तो गाइस ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, अगर फायर एक्सटिंग्विशर को आपको ले रहे हैं तो आपको चेक ये करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर में मेरा भरा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर टाइप में मेजर किया हुआ है, ये आपको देखिए रेड लाइन तक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट, तो इसका मतलब समझिए कि ये पूरी तरीके से ये आपका भरा हुआ है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर को हम बड़े लेवल पर हम यहाँ पे यूज करके दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस इसके बारे में आप कमेंट कीजिए कि इसका एक्सपेरिमेंट हम किस लेवल पर करें, किस टाइप में करें, वो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।